विज्ञान भवन के बाहर से ही मेरे सहयोगी विशाल पांडे जुड़ चुके हैं, जो किसानों के काफिले के साथ विज्ञान भवन पहुंचे हैं। विशाल, देखिए ये बहुत जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन वो हो नहीं रही क्योंकि किसानों का आंदोलन चल रहा है। अब बुजुर्ग किसानों की तबीयत खराब होना, ये एक और बड़ी चुनौती, और चुनौती सरकार के लिए सबसे ज्यादा। बिल्कुल पयोधी, और देखिए आज इसीलिए पांचवें दौर की जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है किसान और सरकार दोनों की तरफ से। राकेश टिकैत जी, आप बताइए कि आज बैठक में सबसे प्रमुख मांग आपकी क्या रही, क्योंकि देखिए किसान भी लगातार कई दिनों से बैठे हैं, कुछ लोग की तबीयत भी खराब हो रही है, ऐसी स्थिति में आप लोग की आज प्रमुख मांगें क्या रहने वाली है? देखो, मांग हमारी वही है, 3 बिल वापसी, MSP पर कानून बने और चीज़ों पर बातचीत हो जाए। यही दो टूक जवाब है, ये आज सुन लो, 10 दिन पहले सुन लेते थे, आने वाले टाइम पर सुन लो, इससे कम पर किसान तैयार नहीं। लेकिन टिकैत जी, सरकार की तरफ से खबर अभी ये आ रही है कि लिखित में दे सकती है MSP और मंडियों पर, कि ना तो MSP खत्म होगा और ना ही मंडी खत्म होगी। जो ये आप लोग की पहले मांग थी इस कानून को लेकर, वो उस पर सरकार एक तरह से सहमत होती हुई नजर आ रही है? नहीं, ये भी तो है ना, जो 3 बिल आए हैं ये भी तो वापसी की बात है ना, ये भी है, ले लो वापसी, फिर बना लेंगे। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तब? और क्या पता फिर क्या होगा, फिर तो किसान का मुंह बैठा हुआ होगा और होगा दिल्ली की तरफ। आज फिर आप लोग जो वरिष्ठ मंत्री रहेंगे सरकार की तरफ से, उनसे पिछली जो बैठक हुई उसमें और अब में क्या अंतर आप देखेंगे, क्या रहेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा? नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि जब सरकार आएगी और एक बेहतरीन ड्राफ्ट लेकर सरकार आए और एक अच्छे माहौल में एक बातचीत चल रही है तो चलती रहे। तो देखिए पयोधी, सरकार के पाले में गेंद किसान संगठन जो हैं वो फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है सरकार तीनों कानून रद्द करे, MSP पर नया कानून लेकर आए, उसके बाद बाकी जो मुद्दे हैं उन पर बैठकर बातचीत होगी। अब इसलिए सरकार पर देखना होगा, सरकार कानूनों को लेकर क्या बीच में क्या ड्राफ्ट लेकर सरकार के पास होता है। आपके जरिए हम किसानों की जो आवाज है उसे उठा रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, दो बातें बार बार एक कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। एक धड़ा किसानों का ये कहता है कि अगर आप हमें लिखित में दे देते हैं हम अपना आंदोलन खत्म कर देंगे MSP को लेकर और मंडियों को लेकर। एक धड़ा ये कहता है कि भई आप रद्द कीजिए, इससे कम पर हम मानेंगे ही नहीं। तो फिर कैसे एकमत होंगे किसान खुद? देखिए पयोधी, अगर इस पर हम एक राय निकाले, जो किसान अलग अलग तरह से कहते हैं, उनका ये कहना है MSP अभी भी जिन राज्यों में लागू होती है वहाँ पर भी MSP पर फसल नहीं खरीदी जाती है। अगर मान लीजिए धान की MSP 1835 रुपये या 1885 रुपये प्रति क्विंटल किसी राज्य में है, तो वहाँ पर जो बिचौलिए होते हैं वो 1100 रुपये क्विंटल, 1200 रुपये प्रति क्विंटल खरीदते हैं, ऐसी स्थिति में MSP लागू नहीं हो पाती है। किसान इसीलिए ये मांग कर रहे हैं कि MSP पर कानून आए, कि जो लोग MSP के नीचे खरीदें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके, उन्हें सजा मिल सके, दंड का प्रावधान होगा, तब उनके अंदर डर आएगा। एक सबसे बड़ी मांग ये है किसानों की तरफ से। दूसरी बात जो है इस कानून को लेकर, सरकार बार बार कह रही है कि इस कानून से MSP किसी तरह से खत्म नहीं हो रहा है, हम लिखित में देने को तैयार हैं, क्योंकि कुछ किसान संगठनों ने इस बात की मांग की थी सरकार को लिखित में देने से क्या परहेज है। ऐसी स्थिति में किसान की जो मांगे हैं वो एक के साथ एक कई जुड़ी हुई मांगे हैं, उनमें से सरकार कितनी मांगों पर सहमत होती है, सरकार क्या फॉर्मूला लेकर आती है, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो किसानों को डर है कि उनकी जमीन में जब समझौता होगा उद्योगपति उनका शोषण करेंगे, ऐसा उनके मन में आशंकाएं हैं। सरकार उस पर बहुत ज्यादा चीजें क्लियर कर चुकी है, शायद कोर्ट में जाने का रास्ता भी साफ कर सकती है, उस पर सरकार थोड़ा रुख अपना लचीला कर सकती है इन मुद्दों पर। चुनौती बड़ी सरकार के लिए होगी, क्योंकि सरकार इन्हीं बातों को तो डे वन से कहते आ रही है जब से आंदोलन शुरू हुआ है कि अब इसका समाधान निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसान संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को अपना खाका और मजबूती से तैयार कर किसानों के सामने रखना होगा, ताकि उन्हें भी ये आश्वस्त वो हो जाएं कि सरकार उनके लिए सोचकर इन कदमों को आगे बढ़ा रही है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।